बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो फंस जाते हैं। मैं वीडियोस देखता हूँ कितने सारे यूट्यूब पे, तो दबा करके शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं फंस जाते हैं 7th पास 8th पास, बेचारे गांव की ज़मीन बेच के निकलते हैं वो मतलब यू नो देयर लाइफ बिकम्स ब्लडी हेल, मैस हो जाती है उनकी लाइफ। मैंने देखा है लाइव में एग्जाम्पल्स, आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू गेट ट्रैप्ड। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जब भी हम लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि बॉस इस पासपोर्ट से हम फ्यूचर में सिम कार्ड खरीदेंगे, या रेलवे के अंदर में हम इस पासपोर्ट को एज अ आईडी प्रूफ दिखाएं कि बॉस मैं ही आनंद मिश्रा हूँ। जब भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो हमारे दिल में एक सपना होता है कि बॉस कभी ना कभी तो हमारी भी किस्मत खुलेगी, कभी कभी हमारी भी बंद गाड़ी चलेगी, कभी हमारे भी तारे चमकेंगे और हम भी जो है वो इंडिया के बाहर निकल जाएंगे, हम भी जो है विदेश जाएंगे, खूब सारे पैसे कमाएंगे, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी और हम एक अच्छे लेवल पर पहुँच जाएंगे कुछ दिनों के बाद। हमारे इन्हीं सपनों का फ़ायदा उठाते हैं ब्रोकर्स, एजेंट्स, दलाल, जो मर्जी बोलो, और वो हमसे या तो बहुत सारे पैसे ऐंठ लेते हैं, या हमसे पैसे लेने के बाद भी हमारा काम नहीं कर देते हैं, भाग जाते हैं, या हमें किसी न किसी गलत काम में फंसा देते हैं। और यहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है इन एजेंट्स के चक्कर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा विदेश जाने के फॉर्मूले, विदेश जाने का स्टेप बाई स्टेप बताएंगे और आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं या क्या क्या गलतियाँ इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आई विल बी राइट बैक। गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और अगर अभी तक मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल कलर के बटन को दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है CV बायो रिज्यूम, जहाँ पर कि मैं रेगुलर अपडेट्स करते रहता हूँ हॉस्पिटैलिटी ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रिलेटेड, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जाएँ और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि होटल मैनेजमेंट ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जहाँ पर कि विदेश जाना बहुत ईजी है। बहुत इजी इसलिए है क्योंकि ऑफर्स बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं एजेंट दलाल, जो बीच के जो ब्रोकर्स होते हैं फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बॉस ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये किसी भी कीमत पे बाहर जाना चाहता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत कम। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लोग सोचते हैं कि विदेश में अच्छा होगा, दूर का घास जो है वो हमेशा हरा लगता है, तो हमने तो एक्सपीरियंस किया नहीं है, सो वी वॉन्ट टू गो अब्रॉड। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात है कि हम तो विदेश में किसी को जानते नहीं हैं, और अगर हम विदेश में किसी को नहीं जानते हैं तो हमें कोई ना कोई एक ऐसा जरिया पकड़ना पड़ेगा जो हमें विदेश पहुंचाएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो ये जरिया कौन है? ये जरिया है एजेंसीज। अब आप एजेंसीज के पास जाएंगे, कोई भी एक्सपर्ट, देखो मैं बैठे बैठे यहाँ पे आपको 50 एजेंसीज बता दूँ, बट वो सही हैं या गलत हैं आई कैन नॉट कॉमेंट, राइट? मेरे टाइम सही था बट क्या अभी वो सही है? आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो आपको मैं स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में। पहला स्टेप ये होता है कि आपने किसी एजेंसी को पकड़ा, आपको एजेंसी बोलेगी कि बॉस मेरा रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000, 10,000, 20,000 तक चलेगा, कि हाँ आप 10,000 रुपये दो, आप अपना रिज्यूम जमा करो, इंटरव्यूज हमारे पास आएंगे आपके लेवल का तो हम आपको कॉल करेंगे, दैट्स ओके। ऐसे ही चलता है, आपने उसको रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे दिया बट नॉट मोर देन 10,000 आपने उसको दे दिया। अब आपको इंटरव्यू के लिए उसने कॉल किया। पहली गलती जो आप कभी भी ना करें, जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो करती हैं, बॉम्बे में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, कि वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेती हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप मेरा पासपोर्ट दे दो, यही कंपनी की पॉलिसी है, हमारे क्लाइंट को आपका पासपोर्ट दिखाना होता है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, आपको पासपोर्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कोई आपको पासपोर्ट दे करके कागज़ पर लिख के देता है कि हाँ हमने रिसीव किया आपका पासपोर्ट, तो बॉस उस कागज़ के टुकड़े का कोई वैल्यू नहीं है, वो रद्दी कागज़ है। अनलेस वो किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, प्लेन पेपर की। तो आप अपना पासपोर्ट जो है वो कभी भी नहीं दें, क्योंकि पासपोर्ट की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के टाइम में पड़ती है, पहले नहीं पड़ती है। सो नेवर हैंड ओवर योर पासपोर्ट टू एनी ब्लडी एजेंट्स, नंबर वन, दिस इज़ द नंबर वन मिस्टेक विच वी डू। अब क्या होगा कि उसने आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस लिया, वो आपको फ़ोन करके बोलेगा कि ठीक है फलाने जगह पर वैकेंसीज़ है, इतनी सैलरी है, क्या आप अग्री हो उस जॉब के लिए? तो आप बोलोगे कि हाँ मैं अग्री हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो क्लाइंट इंटरव्यू बोलते हैं इसको। अब क्लाइंट इंटरव्यू जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, या तो आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेंगे, या स्काइप पे हो जाएगा, या व्हाट्सएप पे हो जाएगा, या वन ऑन वन होगा। अब आप क्लाइंट से ही क्या करना कि मैक्सिमम जो भी आपकी क्वेरीज है वो सॉल्व कर लेना वहीं पर, क्योंकि देखो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि आप इंडिया छोड़ने वाले हो, ठीक है। इंडिया में तो क्या है, लोग आपको जानते हैं, आपको यहाँ का नियम पता है, कानून पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट एक बार ही आप इंडिया से बाहर उड़ गए, यू आर हेल्पलेस, बिलीव मी। तो अभी हड़बड़ी मत करना,
इंटरव्यू में आपका हो गया, अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा हो गया, तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ें पूछो कि सर वीकली ऑफ़ का क्या सीन है, ऑफ़ मिलता है? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त दुबई वगैरह में जाकर के फंस गए, जिनको कि कंपनी ने बोला कि 7 दिन के बाद एक छुट्टी मिलती है, एक हफ्ते में एक छुट्टी, और उनको 15-15 दिन पर छुट्टी नहीं मिलती है। इंसेंटिव का क्या सीन है, टिप्स का क्या सीन है, सर्विस चार्ज का क्या सीन है? बहुत सारी कंपनीज आपको बहुत सपने दिखाएंगे, सैलरी कम ऑफर कर देंगे और बोलेंगे कि ठीक है आपका इंसेंटिव सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा आएगा तो आपकी सैलरी इतनी बन जाएगी। मुँह से बात की कोई वैल्यू नहीं है, मुँह से बात की कोई वैल्यू नहीं है, लिख के दो, ठीक है? इज़ इट डॉक्यूमेंटेड? नो। क्योंकि क्या होगा कि आप जब एक बार इंडिया से बाहर चले जाएंगे, आप एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो आप वहाँ से आ भी नहीं सकते वापस, ठीक है? तो आप सब कुछ लिखवा के लो कि हाँ वीकली ऑफ इतने दिन के बाद, ड्यूटी आवर्स इतने घंटे की, मुझे ऑन ड्यूटी मील मिलेगा, स्टाफ एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, जो भी फैसिलिटीज़ है क्या वो तुम्हें लिख करके मिल रही है? इफ़ इट इज़ नॉट इन रिटन, इट के नॉट बी ट्रस्टेड। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। आपने इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू हो गया, अब आपको मिलेगा ऑफर लेटर। अभी देखो क्या होता है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये डायरेक्ट आपसे बात नहीं करती हैं, कंपनीज़ बात करती हैं अपने एजेंसीज से, ठीक है? तो अब एजेंसी को कंपनी वाले ऑफर लेटर भेजते हैं। अब क्या होगा कि अब आपको एजेंसी वाले बोलेंगे कि ठीक है आनंद, आप तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा ऑफर लेटर आ गया, बट तुम जो हो अभी मुझे इतना पैसा और दो, 20,000-30,000 या जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल पर जा रहे हैं, उस हिसाब से पैसे होते हैं। आप पैसे दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको पैसे दो, बट आप उसको बोलो कि बॉस तुम मेरे को एक बारी ऑफर लेटर दिखाओ, आई वॉन्ट टू सी दी ऑफर लेटर बिफोर गिविंग यू एनी ब्लडी मनी। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपने ऑफर लेटर देखा, आपने, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि आपने इंटरव्यू दिया वेटर का, आपका वीज़ा आया ड्राइवर का, आपने इंटरव्यू दिया शेफ का, आपका वीज़ा आया कुक का, आपने कुछ और दिया, आपका वीज़ा आया वर्कर का, ठीक है? तो आप देखो कि हाँ मैंने मैनेजर के लिए इंटरव्यू दिया था, मेरा वीज़ा भी मैनेजर का ही है, उसके ऊपर प्रोफाइल भी लिखा होता है ऑफर लेटर ऊपर कि सिलेक्टेड एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर, सिलेक्टेड एज अ कैप्टन, सिलेक्टेड एज अ सुपरवाइजर, जो भी है एक्स वाई जेड। आप चेक करो प्रॉपर, आपको लगता है कि हाँ सही है, पैसा दे दो स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको एजेंसी बोलेगी कि ठीक है आपका वीज़ा आएगा, तो आप बाद का पैसा जो है वीज़ा आप देंगे। अभी क्या होता है कि आपका वीज़ा आया, तो वीज़ा भी आपने लिया, फिर बोलो कि ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, बट आप मेरे को वीज़ा दिखाओ। और उस वीज़ा को क्या करो, उस वीज़ा को क्या करो कि आप कंफर्म करो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री की एम्बेसी से। सबसे बेस्ट और सरल उपाय है, गूगल पे सर्च मारोगे उस कंट्री की एम्बेसी, आपको उसका नंबर मिलेगा, हेल्पलाइन नंबर, आप सीधा उसको फ़ोन करो, बोलो कि मैम मेरा ये वीज़ा नंबर ये इशू हुआ है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, इज़ इट अ लीगल वीज़ा नंबर? तो आपको वो एम्बेसी चेक करके कंप्यूटर बता देगी कि आपका वीज़ा असली है या नकली है। तो सबसे बेटर तरीका वही होता है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, अगर आपको वहाँ से भी नहीं कुछ पता चल पा रहा है, तो सीधा आप उस कंपनी में फ़ोन कर दो वहाँ के लोकल नंबर पे, ऑनलाइन सर्च मारो, हर कंपनी का वेबसाइट होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, किसी भी कंट्री में, आप उस रेस्टोरेंट को सर्च करो गूगल पे, उसका नंबर निकालो कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको फ़ोन करो, उसके एचआर से बात करो, बोलो कि सर मुझे इस एजेंसी ने इस कंपनी का वीज़ा इशू किया है, आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग इट कि ये वीज़ा सही है या नहीं है। अब आपका वीज़ा भी सही हो गया, आप कन्फर्म हो गए, अब आपने क्या किया कि उसको पैसा दे दिया। अब आपकी और एजेंसीज की बात हुई है, क्या क्या बात हुई है कि आपको फ़्लाइट टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, व्हाटएवर, ठीक है? तो आप फ़्लाइट टिकट भी ले लो उससे, और वीज़ा की कॉपी भी ले लो। पासपोर्ट मत देना बॉस, मैं फिर बोल रहा हूँ, पासपोर्ट दोगे तो फंस जाओगे। आपने वीज़ा की कॉपी ले ली, अपना टिकट ले लिया, सब कुछ ले लिया, और अब आप उसको फुल पेमेंट कर दो। अब आप एजेंसीज के चक्कर से बाहर निकल गए, अभी आप इंडिया के बाहर नहीं पहुँचे हो। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है इमिग्रेशन का। आपके पासपोर्ट पे एक आउट स्टैम्प लगता है कि आप इंडिया से बाहर निकल गए, ठीक है? तो वो इमिग्रेशन वाले भी बहुत हद तक आपकी मदद करते हैं, वो पूछते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा आप इस कंपनी में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे आए, क्या, वो बहुत सारे सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे US वगैरह में तो सबसे पहले वीज़ा इंटरव्यू होता है, बट दूसरे दूसरी कंट्रीज़ में आप डायरेक्ट ऐसे भी जाते हो, तो इमिग्रेशन, जिस भी आप दिल्ली से जाओगे, बॉम्बे से जाओगे, तो वहाँ पर आपसे सवाल जवाब पूछेंगे, एंड देन यू आर आउट। आउट होने के बाद आप पहुँचोगे जिस कंट्री में आप जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप दुबई गए। अब दुबई में आप पहुंचे, आपका जिस होटल में आप आए, आप वहां पहुंच गए। दुबई में आने के बाद सबसे पहले आपसे बोला जाएगा, दुबई नहीं मान लो आप कोई भी आप कंट्री में जा रहे हो, आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि ठीक है बॉस तुम जो है वो अपना पासपोर्ट मुझे दे दो। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट 100% श्योर, डू नॉट हैंड ओवर योर पासपोर्ट अगेन, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ योर जॉब। आप अपना पासपोर्ट जो है ऐसे किसी को भी हैंड ओवर मत करना, और अगर आप हैंड ओवर करते हो तो आप उसका एक प्रॉपर ईमेल मांगना कि हाँ ठीक है यू हैव टेकन माई पासपोर्ट, जस्ट गिव मी इन रिटर्न, एक ईमेल करो, जो भी है कंपनी की जो भी पॉलिसीज है आप उस हिसाब से मेरे को अपना पासपोर्ट जो है वो हैंड ओवर करो। क्योंकि अगर जो चीज़ें आपको ऑफर की गई हैं आपको वहाँ पर नहीं मिल रही, एंड यू वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया, देन देर इज़ ओनली वन वे हाउ यू कैन कम, दैट इज़ योर पासपोर्ट। तो अगर आपका पासपोर्ट ही आपके पास नहीं रहेगा, देन यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। आप पासपोर्ट दो अगर कंपनी मांगती है, पॉलिसी है, तो आप लेंगे आपसे पासपोर्ट, बट
यू हैव टू बी 100% श्योर कि आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंटेशन है उस कंपनी के लेटर हेड पे या उस कंपनी के एचआर से आपको मेल आया है कि येस वी हैव रिसीव्ड योर पासपोर्ट ऑन दिस डेट एट दिस टाइम बाई दिस एंड यू हैव साइंड एंड ही हैज साइंड, दैट इज बोथ क्रॉस साइंड है। ये बात आप हमेशा याद रखना, पासपोर्ट आपकी संपत्ति है, उसको हमेशा रखना, क्योंकि बाहर में मदद करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो था मेरा आपको अवेयर करने के लिए कि दिस इज़ हाउ यू गो आउट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ ऑल द क्रॉस थिंग्स यू नीड टू चेक। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर कीजिए इस वीडियो को। भारत माता की जय। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।